तो दिन ना कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि मतलब मैंने बस ये चश्मा लगाया और लगाते ही ना मतलब ये ऐसे ऐसे टूट गई और इसका ग्लास निकल के अलग ही कहीं गिर गया। तो मेरे को लगा कि भाई आखिरी दिन है, कम से कम कुछ तो डिफरेंट कर लें। तो डिफरेंट था आज ये कि इसने भी साथ छोड़ दिया 365 डेज कंप्लीट होते ही। तो एनीवेज, हेलो गाइस, दिस इज आनी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। कैसी अपनी टर्बो फैमिली? तो टर्बो फैमिली हमेशा हैप्पी रहती है और मैं टर्बो फैमिली को देख के खुश हो जाता हूँ। पता है बिना चश्मे के भी मेरे को वैसे क्लियर दिख रहा है। तो एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये था कि मैं जब बाइक चला रहा होता हूँ तब क्या मैं चश्मा लगाता हूँ? तो नहीं, मैं चश्मा तब नहीं लगाता हूँ। बट बाई चांस वैसे मेरी दूर की ही नज़रें कमज़ोर हैं, बट पता नहीं क्यों बाइक के ऊपर जब भी मैं बाइक चला रहा होता हूँ तो बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। तो 365 डेज की जो जर्नी रही वो बहुत ही वाइल्ड रही और बहुत ही एक्सप्लोरिंग रही। मतलब मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा विजन मेरा वाइड हुआ, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। क्योंकि एवरी डे एक नई कार या नई बाइक ढूंढ के कंटेंट निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और ऑनेस्टली बताऊँ डिफिकल्ट था, मेरे लिए भी था। जबकि अपना कार्स का शोरूम है, एक शोरूम पे अपन कार्स बेचते हैं, दूसरे शोरूम पे अपन कार्स को कस्टमाइजेशन करते हैं, बट स्टिल काफ़ी डिफिकल्ट था। तो बहुत सारी जर्नी ना ऊपर नीचे रही। तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में बात करते हैं। तब तक जो अपन ने कुछ स्पेशल मूवमेंट्स किए अपनी हायाबुसा पे, तो चैनल स्टार्ट हुआ था सिर्फ पैशन के लिए। पैशन मतलब कि मेरे को बड़ा शौक था बाइक पे घूमने का। मैंने ले लिया एक SJ कैम, मतलब एक स्पोर्ट्स कैमरा, और लगा लिया अपने हेलमेट पे और ऐसे ही कुछ मस्ती करनी चालू कर दी। बट काफ़ी लोगों को पसंद आने लग गई। तो पसंद आने के बाद मैंने वीडियोस डालने चालू कर दी जब मैं राइड पे जाता था तब, या बीच बीच में कभी कभी कुछ खुरापात दिमाग में उठती थी तब। तो जर्नी स्टार्ट हुई कुछ ऐसी। बट एक टाइम पे मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिटेंशन आने लग गया अपने चैनल पे। एंड 40,000 सब्सक्राइबर्स तक मैंने काफ़ी अच्छा चैनल डेवलप कर लिया था। मतलब 40,000 सब्सक्राइबर्स थे और करीब करीब एक्चुअल में 30,000-35,000-40,000 व्यूज़ हर वीडियो पे आ भी जाते थे। तो प्यार बरस रहा था पूरा टर्बो फैमिली का। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी था। आई वॉज फोकस्ड इन टू बिजनेस और मुझे ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब मेरे को डाइवर्ट कर रहा है बिजनेस से, तो मैंने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। तो भाई जब 7-8 महीने बीच में गैप आ गया तो सब्सक्राइबर्स हो गए करीब करीब 80,000, मतलब 40,000-80,000 ऑटोमेटिकली हो गए। और वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो गए कि जो वीडियोज़ बने हुए थे वो लोगों को पसंद आ रहे थे और लोग सब्सक्राइब कर जा रहे थे। पर धीरे 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 व्यूज़ का जो ग्राफ था वो ऐसे चलता हुआ धीरे धीरे ड्रॉप हो गया एंड एक टाइम पे बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया। तो एक बार मेरा ऐसे मन हुआ कि मैं संडे को फ्री था, मैंने एक राइड वीडियो बनाया और डाल दिया। अब इमेजिन क्या हुआ राइड वीडियो डालने के बाद व्यूज़ पता है कितने आए? 80,000 सब्सक्राइबर और व्यूज़ आए 200। आई वाज लाइक ये क्या हो गया, क्योंकि यूट्यूब के बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं था और कभी ध्यान नहीं दिया। तो तब तक भी मोनेटाइजेशन ऑन था पर पैसे कभी भी नहीं आए थे यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब के जो पैसे आते हैं ना वो इतने धीरे आते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो खैर पता ही है, जो नहीं है उनको वैसे ही बता देता हूँ कि ये एक ऐसा सपना है जो बड़ा मुश्किल सपना है। अगर आप इसको एज अ करियर लेना चाहते हो तो बिल्कुल मत लें। तो भाई फिर मेरे एक बहुत ही खास दोस्त थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं होता पब्लिकली किसी का भी। तो मैंने उनसे राय मांग ली कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। उनके सब्सक्राइबर थे करीब करीब 1,80,000 के आसपास, समवेयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अपने थे 80,000। पर उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरे व्यूज़ ऑलमोस्ट डेड थे। डेड मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था चैनल। तो मैंने उनसे ऐसे ही राय मांग ली कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बड़े एटीट्यूड में और बड़े एरोगेंस में मुझे ये बोल दिया कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू अपनी गाड़ियाँ बेच और
खुश रह, जो कर रहा है वो कर, यूट्यूब तेरे बस की नहीं है। तो भाई लाइफ में अपन ने एक ही चीज सीखी है और बड़ों ने एक ही चीज सिखाई है कि आपके बस का सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। वाकई में जब दिल से, यहाँ से दिल से आप करना चाहो किसी भी चीज को तो आप कर सकते हो। बस फर्क इतना सा होता है कि कोई एक्सपर्ट होगा तो वो एक घंटे में कर लेगा, और अगर कोई लर्नर होगा तो उसको शायद एक दिन लग जाए या एक साल लग जाए। पर ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने उसको प्रूफ करने के लिए यूट्यूब पे करीब 6-7 दिन रिसर्च की कि मुझे क्या करना है। तो भाई फाइनली जो कंक्लूजन निकला ना, वो कंक्लूजन ये निकला कि जो अपना हैशटैग है वर्क हार्ड टू लिव लार्ज, कि अगर यूट्यूब पे आप ज़्यादा वीडियोज डालोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, वीडियोज अच्छे बनाओगे तो ऑटोमेटिकली चैनल बढ़ जाएगा। तो अपने आपको एक चैलेंज दे दिया, 365 डेज डेली वीडियो डालूंगा मैं। और एग्जैक्टली ये वीडियो इसी बारे में है कि 365 डेज डेली वीडियो मैंने डाला, डेली पूरी कोशिश की पूरी शिद्दत से कि कंटेंट जरूर आए वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ कार या बाइक से रिलेटेड जरूर दिखाऊं। सिर्फ लाइफस्टाइल व्लॉग मेरे ख्याल से अगर मैंने किए भी होंगे तो मुश्किल से अगर 365 डेज गिनता हूँ तो 10 या 15 से ज्यादा नहीं हूँ। तो भाई 365 डेज आज अपने खत्म हो चुके हैं। 80,000 सब्सक्राइबर से 5,60,000 करीब करीब हो चुके हैं। सब्सक्राइबर तक की ये जर्नी एक साल की रही, एंड बिलीव मी प्यार इतना मिला वो 200 व्यूज से। अपन कितने सारे वीडियोस बीच में ऐसे भी आए जो मिलियन मिलियन व्यूज भी गए, और ऑन एन एवरेज भी अपने 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख व्यूज ऑन एन एवरेज हर वीडियो पे आते ही आते हैं। मतलब आप लोगों का जो प्यार है वो पूरा बरस रहा है, और बरस सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा मिल रहा है। तो कंटेंट की जहां तक बात आई, काफी सारे लोगों ने ना मेरी एक चैनल को लेके पॉइंट कर दिया कि आपके चैनल का USP है हायाबुसा, तो आप हायाबुसा दिखा रहे हो इसलिए आपका चैनल चल रहा है। तो इस सोच को भी मैंने बिल्कुल चेंज किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ऑनेस्टली अगर अपने 30 वीडियो महीने के आते हैं तो 30 में से आज भी अगर हायाबुसा की मैं बात करता हूँ तो वीडियो होते हैं मुश्किल से 5 या 6, बाकी के वीडियो सिर्फ कंटेंट एंड कंटेंट बेस्ड ही होते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अगर आपके पास एक सुपर बाइक है तो आप एक यूट्यूबर और सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एक अच्छा वीडियो बना रहे हो, एक प्रोडक्ट को अच्छे से दिखा रहे हो, अगर वो इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, तो लोग उसको देखेंगे देखेंगे और आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई कोई भी जर्नी अकेले पूरी नहीं हो सकती, इस जर्नी को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट मिला वो मिला टर्बो फैमिली का, मतलब आप लोग। सेकेंड जो सपोर्ट था वो था टीम टर्बो एक्सट्रीम का, मतलब शिवम और आशीष एंड फैमिली का, जो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। फैमिली ने मुझे शुरू में ज़रूर अजीब सा, उनको लगता था कि मैं पता नहीं क्या करता रहता हूँ, बट बाद में जब उनको दिखा कि नहीं, ही इज़ गेटिंग फेमस, जब शोरूम पे लोग आते हैं और मुझसे मिलते हैं और कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने आपको देखा है एंड वी आर बिग फैन। तो खैर फैन मत बनूं, फैमिली बनूं, हमेशा एक ही बात कहता हूं, बट वो जब ऐसा कहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब साथ में मतलब फैमिली मेंबर्स होते हैं शोरूम पे, भैया होते हैं, सब होते हैं, जब वो देखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये अगर कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो गाइस थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एक टर्बो एक्सट्रीम अपना जो चैनल है और जो आज ये स्ट्रेंथ है, जो आज ये पोजीशन है, ये इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि अगर आप लोग इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं ये कर